देहरादून नगर निगम ने कुत्ता पालने के लिए कुत्ते का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है। यानी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर अब जुर्माना लगेगा, आपका 500 रुपए का चालान काट दिया जाएगा। नगर निगम की टीम शहर के सोसाइटीज में जाकर छापा मारेगी, पालतू श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम ने शहर की 60 सोसाइटियों को नोटिस जारी कर लोगों से श्वान का पंजीकरण कराने की अपील की है। पशु चिकित्सक विभाग का अनुमान है कि शहर में करीब 10,000 पालतू श्वान है, जिनमें से अभी तक 1500 श्वानों का ही पंजीकरण हुआ है। देखिए, नगर निगम अधिनियम में लिखा हुआ है कि कोई भी पशु, कोई भी श्वान पशु यदि नगर निगम निकाय एरिया में पाला जा रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। 2021 में भी हम लोगों ने इसमें एक अभी वो चलवाया था और पहले साल हमें अप्रत्याशित रूप से 4,000 हमने श्वान पशुओं के लाइसेंस एक वित्तीय वर्ष में बनाए थे। उसके अगले वर्ष भी 3400 रजिस्ट्रेशन हमारे वहाँ नगर इसमें हुए हैं। 600 रजिस्ट्रेशन की पहले वर्ष की तुलना में कमी आई, तो इस वर्ष भी हमने इसे अप्रैल से ही जागरूक उसमें लिया था, अभियान के रूप में लिया हमने। जितनी भी RWAs हैं, रेजिस्टेंस वेलफेयर एसोसिएशन RWAs, उनको हमने नोटिस भेजे कि आप जो है अपना अपने वहाँ जितने भी आपके रेजिडेंट हैं जिनके पास पेट्स हैं, जो पेटों को कर रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करवा लें, करवाने के लिए उन्हें बोलें और करवाएं। और उसके बाद अभी तक इसमें हमारे पास 1500 बन चुके हैं। पिछले वर्ष भी हमने सुबह शाम घूम घूम के चेकिंग अभियान चलाया था और कई सारे लोगों को जागरूक किया था, कई सारे लोगों के चालान काटे थे। इस वर्ष भी हम ये अभियान अब फिर से शुरू करने जा रहे हैं।